दरबार की जय। माता रानी, तूने मेरे को दो दो बेटियां दी थी, एक और दे दी, मैं इसका बोझ नहीं झेल पाऊंगा। मैं समाज एक ऐसा समाज जो एक तरफ देवी को पूछता है, माथा टेकता है और वही अपने ही हमें बेटी होने पर उसका गला खोल देता है। हेल्प यू चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से हम लोग तो करने जा रहे हैं एक बुक का नाटक। आइए देखिए इस नाटक का कोई बात नहीं है। बैठ जाओ। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2016 की पूर्व संध्या पर आयोजित आज के कार्यक्रम के सभी गणमान्य अतिथियों का हार्दिक स्वागत करते हैं। कार्यक्रम का विधिवत रूप से शुरुआत करने से पहले हम आपके सामने एक एमिटी यूनिवर्सिटी की बीए एलएलबी की द्वितीय वर्ष की छात्रा सुरभि आनंद की एक बेटियों पर लिखी गई कविता के साथ शुरुआत करना चाहेंगे। मैं आमंत्रित करती हूँ सुरभि आनंद को कि वो बुलंद आवाज में अपनी आवाज यहाँ बैठे सभी दर्शकों तक पहुँचाएं और जो संदेश वो देना चाहती है उसको देने का एक प्रयास करें। ए जमाना जरा ये तो बताना, ए जमाना जरा ये तो बताना, मुझे ही क्यों पड़ता है अक्सर अपना सिर झुकाना। लंबे घूंघट के पीछे मैं खुद को छिपाती हूँ, लंबे घूंघट के पीछे मैं खुद को छिपाती हूँ। अपने अरमानों का गला दबाकर दूसरों के सपने सजाती हूँ। मैं लड़की हूँ बेबस सी, मैं बेटी हूँ बेबस सी, दुख के जंजीरों में बंधी, कभी ना किसी ने मेरे अंदर की आवाज़ सुनी। सती और दहेज का नाम लेकर चढ़ा देते हो मेरी बलि, ये कैसी प्रतिबद्धता है जिसके कारण मुझे छोड़नी पड़ी तेरी गली। छेड़खानी और रेप जैसे अपराध मुझे बदनाम करते हैं। ए राक्षसों, क्यों तुम्हारी जुल्म की सजा अक्सर हम सहते हैं। जन्म की पहली किलकारी हो या हो मौत की वो आखिरी आह, सारी जिंदगी चीखते रहते हैं है हम बेगुनाह। हमें परेशान करने का नया तरीका बनाया तुमने एसिड अटैक, हमें परेशान करने का नया तरीका बनाया तुमने एसिड अटैक। बहुत हुआ हैवानियत का खेल, आओ मिलकर करें इन्हें क्रैक। त्याग की प्रतिमूर्ति कहते हो जिसे वो आज तुम्हारे सामने खड़ी है। आओ देखो और पहचानो, क्या ये वही तुम्हारी चंचल सी परी है। पहचानो क्या यही तुम्हारी वो चंचल सी परी है। आज हम सभी देख रहे हैं बच्चियों की लड़कियों की चंचलता चपलता कहीं खोती जा रही है और हम ही लोगों के हाथों में है कि हम इस चंचलता को खोने ना दें। तो आप सभी से जैसा कि सुरभि ने आग्रह किया है, मेरा भी निवेदन है कि कोशिश करें बच्चियों की हंसी बरकरार रहे। महिलाओं पे चर्चा करने के लिए तो अब मैं आपके सम्मुख रखने जा रही हूँ अपना लिखा हुआ एक गीत जिसके बोल हैं, हाँ हूँ मैं आज की नारी। निवेदन रहेगा
कि एक शब्द प्रधान गीत है और कोशिश करिएगा इसके शब्दों पर ध्यान दें।
बहुत धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ इस गीत के जरिए जो एक संदेश पहुँचाने की मेरी कोशिश रही है वो आप लोगों तक ज़रूर पहुँचे और सिर्फ इस दायरे में वो सिमट कर ना रह जाए। ये सोच, ये जो हम लोग बदलाव चाहते हैं, ये बदलाव हर एक इंसान तक, हर एक घर में, हर एक विद्यालय में, हर एक बच्चे तक पहुँचने की ज़रूरत है और आप सभी का सहयोग अपेक्षित है। धन्यवाद। हम यही बात करते हैं कि हमें अपनी बेटियों को आगे बढ़ाना है, बेटियों को उनकी एक जगह दिलानी है, पहचान कर बनानी है। मुझे लगता है ये तो बेटियां कर पाने में खुद का खुद सक्षम है, वो अपनी जगह भी बना लेंगी, वो अपनी पहचान भी बना लेंगी। जो सबसे बड़ी चीज़ जो उनके रास्ते में आ रही है वो है सुरक्षा, सुरक्षा और समाज का माहौल। समाज का माहौल उन्हें आगे बढ़ने से रोक रहा है। उन्हें आगे बढ़ने से क्यों रोक रहा है? क्योंकि एक माँ होने के नाते मैं अपनी 10 साल की बच्ची को अगर कहीं जाने नहीं देती, मैं असुरक्षित महसूस करती हूँ। एक भारतीय वायुसेना की रिटायर्ड ऑफिसर होने के बावजूद तो सोचिए सामान्य माओं के ऊपर क्या गुजरती होगी। मैं अपनी बच्ची को हर वक्त अपने साए में रखती हूँ, हर वक्त उसकी पहुँच में रहती हूँ कि वो कहाँ है, क्या कर रही है, कब आएगी, कब जाएगी। मगर जब मैं उसकी उम्र की थी, मेरे माँ बाप ने कभी मेरे साथ ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? आप लोगों के कारण। क्योंकि उस समय जो आप लोगों का व्यक्तित्व था, आप लोगों ने जो हमें परिवेश दिया था, उसने मुझे स्वच्छंदता दी थी, उसने मुझे स्वतंत्रता दी थी। आप हर जगह मेरे साथ थे मेरी सुरक्षा के लिए। मुझे कभी भी ये भय नहीं था, मेरे माँ बाप को कभी भी ये भय नहीं था कि मेरी बेटी रात में जा रही है, शाम को जा रही है, पढ़ के आ रही है, या कोचिंग के लिए जा रही है, स्पोर्ट्स के लिए जा रही है। क्योंकि उन्हें पता था कुछ हो ही नहीं सकता, सब उसके इर्द गिर्द लोग रहते हैं, कैसे कुछ होगा। लेकिन आज इन्हीं इर्द गिर्द लोगों की भीड़ में से कुछ ऐसे चेहरे निकल कर आते हैं जो बहुत ही घृणित होते हैं, जिनकी सोच बहुत ही गंदी होती है, जो इन बच्चियों को जीने नहीं दे रहे। तो मेरी आप लोगों से बहुत बहुत दिल से एक निवेदन है कि उन बच्चियों को जीने दें। और उन बच्चियों के लिए, उन बच्चियों की व्यथा को व्यक्त करता हुआ ये गीत मैं आपके सामने रख रही हूँ। बहुत ही भावुक गीत है, बहुत ही भावुक। आप इस गीत को सुनिए। मैंने अपनी बेटी को रोका था कि नहीं भैया जा रहा है, उसे जाने दो, तुम नहीं जाओगी किसी भी जगह पर, शाम को 7 बजे के बाद तुम खेलने नहीं जाओ। उस दिन मैं भी उतनी ही व्यथित हुई थी जितना मैंने उसे बुलाया था। मेरा मन
हर समाचार की हर खबर में सिर्फ और सिर्फ इसी का जिक्र होता है। शाम हुई तो मेरा आना जाना भी मुश्किल अभिनंदन करती हूँ एक बार फिर से जरीना उस्मानी जी का एवं सुश्री निधि श्रीवास्तव जी अपर जिलाधिकारी लखनऊ का अभी हार्दिक अभिनंदन और साथ ही साथ नेशनल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के छात्र छात्राओं तथा एमिटी यूनिवर्सिटी की जो भूमिका है जो नुक्कड़ नाटिका में और उसमें जो लोग योगदान दे रहे हैं उन सभी का मैं हृदय से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ। तो चलिए हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले मैं हेल्प यू एजुकेशनल एवं चैरिटेबल ट्रस्ट के फाउंडर ट्रस्टी श्री हर्षवर्धन अग्रवाल जी से ये निवेदन करूंगी कि वो सम्माननीय अतिथियों को प्लीज दीप प्रज्वलन के लिए लेकर आगे आए क्योंकि और हमारे कार्यक्रमों को सफल बनाता है। तो सभी खड़े हो जाएंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। Thank you.
स्पीच में मैं छोटी सी भूमिका आपको देना चाहूंगी। ये प्रोग्राम जिनके सौजन्य से हो रहा है, हेल्प यू एजुकेशनल एवं चैरिटेबल ट्रस्ट। हेल्प यू एजुकेशनल एवं चैरिटेबल ट्रस्ट समाज के उत्थान लाने हेतु वचनबद्ध है। एक तरफ हेल्प यू एजुकेशन, विशेष तौर से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी है तो कल है, कन्या बोर्ड की अध्यक्षा बनी। आज का ये आयोजन भी डॉक्टर रूपल अग्रवाल की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन से आयोजित किया जा रहा है। अब मैं हेल्प यू एजुकेशनल एवं चैरिटेबल ट्रस्ट के फाउंडर ट्रस्टी श्री हर्ष वर्धन अग्रवाल जी से ये निवेदन करती हूँ कि वो गणमान्य अतिथिगण श्री सुतापा सान्याल जी, जरीना उस्मानी जी एवं निधि जी को पुष्प गुच्छों के द्वारा सम्मान करें। श्रीमती जरीना उस्मानी जी, सुश्री सुतापा सान्याल जी, और अब शीला सिंह जी, आप सभी लोगों का एक बार फिर से इस कार्यक्रम में पधारे हुए सभी अतिथियों, माननीय श्री जरीना उस्मानी जी, सुतापा सान्याल जी, अभी आने वाली है निधि श्रीवास्तव जी एवं अन्य सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। गोपाल नीरज जी नहीं आ पाए क्योंकि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, उन्होंने उसके लिए क्षमा मांगी है। आज जो भी ये हम बोलेंगे ये डॉक्टर रूपल अग्रवाल जी की तरफ से बोल रहे हैं, वो आ नहीं सकती, उनका स्वास्थ्य नहीं ठीक था। आज के इस नाटक का शीर्षक बेटी हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस शीर्षक को आप सबसे समक्ष लाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि देश की आधी आबादी बेटियों व महिलाओं की होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं उन्हें अपने अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ना पड़ रहा है। उन्हें हर जगह स्वयं को यह साबित करना पड़ता है कि हम किसी से कम नहीं हैं। हमारी केंद्र सरकार व राज्य सरकार ने अनेकों कार्यक्रमों योजनाओं जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी है तो कल है, कन्यादान, लैपटॉप वितरण आदि चलाकर बेटियों के अस्तित्व को बचाने के लिए अपील की है। आज हमारे बीच जो गणमान्य अतिथि उपस्थित हैं वे भी अपने अपने विभागों द्वारा बेटियों को बचाने व उन्हें समाज में महत्वपूर्ण स्थान दिलाने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी है तो कल है से आगे बढ़कर महिला कल्याण व महिला विकास के लिए जमीनी हकीकत पर तमाम महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, जिसमें महिला सम्मान प्रकोष्ठ सबसे प्रमुख है। आप सबसे निवेदन है कि महिला सम्मान प्रकोष्ठ के लिए बहुत जोरदार ताली बजाकर उनका धन्यवाद करें कि जिन्होंने महिलाओं की रक्षा के लिए बहुत अच्छा काम किया है और जमीन से जुड़कर काम किया है। आज हेल्प यू ट्रस्ट द्वारा बेटियों को सम्मान व अधिकार देने की अपील करता हुआ यह नाटक बेटी हैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है। धन्यवाद। जैसा कि हम देख रहे हैं हमारे बीच में निधि जी आ चुकी हैं। निधि जी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं और साथ ही मैं अपनी गलती भी सुधारना चाहूंगी और मैं यहां पर मौजूद उत्तर प्रदेश महिला पुलिस प्रकोष्ठ की इंस्पेक्टर सत्या सिंह जी का भी हार्दिक अभिनंदन करती हूं। छोटी सी छात्रा ही कहूंगी मैं, हमारे समक्ष है ये वैष्णवी अवस्थी को बहुत बहुत प्रारंभ में ही बधाई इस सबका नाटक के लिए। घर में बेटी होने पर उसका गला खोल देता है।
खिलौनों की जगह गृहस्थी है थमाई। इस समाज ने शादी के नाम पर कुत्ते के हाथ में बिटिया थमाई, कुत्ते के हाथ में बिटिया थमाई। भारत में ऐसी लाखों लड़कियां हैं जिनकी शादी 18 साल से पहले कर दी जाती है। भारत में शादी को पवित्र बंधन कहा गया है, लेकिन शादी एक बंधन बन के रह जाती है उन मासूम बच्चियों के लिए जिनका उनका अहमियत तक समझ में नहीं आता। बाल विवाह शादी नहीं, शोषण है। 15 साल की बच्ची की शादी 45 साल के युवक से कर दी जाती है, ये जुर्म नहीं तो और क्या है? माँ बाप के दबाव में आके बच्चे शादी तो कर लेते हैं, लेकिन उसकी अहमियत नहीं समझते। आज भी भारत में ऐसा होता आ रहा है, जब एक नाबालिग अपने पति से नफरत करती है उसको देख के उसे घृणा होने लगती है, पर भी उसके साथ रहना और उसके जुर्म सहना उसकी मजबूरी बन जाती है। ये जान के आपको और भी आश्चर्य होगा, हर 10 में एक ऐसी लड़की है जो अपना 15वां जन्मदिन नहीं मना पाती और उसकी शादी कर दी जाती है। मुझे शादी नहीं करनी मतलब नहीं करनी। अरे क्यों नहीं करनी मुझे शादी, इतना अच्छा लड़का मिला है, ऐसे रुपए बार बार नहीं मिलते। मुझे भी पढ़ना है, मुझे भी नौकरी करनी है। अब तू विदेश पढ़ने जाएगी, जाएगी पढ़कर वापस आएगी, आएगी और फिर तेरी शादी होगी, होगी फिर ढेर सारा दहेज भी तो लेना पड़ेगा। जब तुम फिर तो शादी ही करनी है क्यों इतना खर्चा? अरे अरे मेरे कहने का मतलब है इतनी भाग दौड़ क्यों करोगी? जब शादी ही करनी है तो शादी कर लो और अपना जीवन सुख से व्यतीत करो। दहेज, दहेज अमीरों की शान गरीबों के लिए अभिशाप बन जाता है। दहेज अमीरों की शान गरीबों के लिए अभिशाप बन जाता है। अरे लाख बचाले दामन, गरीब कहाँ इससे बच पाता? रोते बिलखते जिनकी बेटियों को शिकार करता है, रोते बिलखते जिनकी बेटियों को शिकार करता है, लाइलाज बीमारी पर समाज निर्भर करता है। दहेज, दहेज की दीवार से रिश्तों में दरार आता है मित्रों, दहेज की दीवार से रिश्तों में दरार आता है और दहेज की भूख से इंसान हैवान बन जाता है। रखो अपनी बेटी बहू की जगह, रखो अपनी बेटी बहू की जगह। इसीलिए मेरे मित्रों जन्म से पहले ही मरवाता है। पहले तो ना घबराता था तू इतना कि अब तू बिटियों से घबराता है। अरे भाई मैं तो इस प्रथा के बिल्कुल पक्ष में हूँ। अरे ये क्या बोल रही हो तू? इस प्रथा की वजह से हमारी पढ़ाई रोक दी जाती है, हम अपने ही माँ बाप पे बोझ बन जाते हैं और तो और इस प्रथा की वजह से हमारी जान भी ले ली जाती है। मैं समझ सकती हूँ कि गरीबी एक अभिशाप है, पर मैं तो फिर भी इसके पक्ष में हूँ। अरे कहीं तो लड़कों की बोली लगाई जाती है, यहाँ तो खुद उनके माँ बाप ही उनकी बोली लगाते हैं। बिल्कुल सही कह रही हो बेटू, यहाँ तो आजकल जो हाल है कि पैसा देखो और तमाशा देखो। हाँ लड़कों की तो प्राइस लिस्ट होती है, प्राइस लिस्ट। अच्छी नौकरी है तो 25 लाख, ठीक ठाक नौकरी है तो 80 लाख और अगर कहीं IAS और PCS मिल जाए तो 1 करोड़ में बिक ही जाते हैं। हाँ बहन, हम तो गंदी लड़कों की तो पॉजिटिव का ब्रांड होती है, ब्रांड जितनी ऊंची पॉज उतना ही ऊंचा दाम। और सुनो लड़कों की तो सेम लगती है, कहीं पर 20% और कहीं कहीं 40% और एंड ऑफ इवन तो वहाँ तो 50%। अरे हाँ वो अपने लिए बहू नहीं लाते बल्कि कस्टमर लाते हैं। आराम से पैसे फेंको और जिंदगी भर हुकुम चलाओ, आखिर हम खरीदार ही तो हैं। तो भाई अब ये लड़कों के माँ बाप पे डिपेंड करता है कि उन्हें बहू घर लानी है या बेटा बेचना है। अगर इस प्रथा का कोई व्यक्तित्व है, अगर इसका हमसे और आपसे अलग कोई अस्तित्व है तो इस कुप्रथा को भूलिए, मारिए, खत्म करिए। लेकिन अगर ये विचार हमारे और आपके अंदर है, अगर इस घृणित सिस्टम का हमारे और आपके अंदर एक समंदर है,
मैं तो यही होगा जनाब, मैं भी अपने आप को सुधारूं और आप सब भी अपने आप को सुधारें। कह दो इनसे, उनसे, सबसे, नहीं समझे हमें कमजोर, अपना परचम लहराया है, देखो तो हमने और खरोर, धीरज हिम्मत और लगन से बेटी ने आकार हुआ है, बुद्धि ज्ञान और सुंदरता नई सदी के हम सिर मोर। हम वो नारी हैं जिसे समाज ने, पुरुष ने पग पग पर ठोकर मारी है, लताड़ा है, कारा है, लोचा है और तो और पोटी पोटी करके कमजोर में छोड़ दिया, लेकिन हमने हार नहीं मानी। यदि किसी ने हमारे अस्तित्व को नष्ट करने की कोशिश भी की, हमारी गरिमा को ठेस पहुंचाई, तो भी हमने उसका विनाश नहीं चाहा, अभी तुम उसे सुधार का एक और अवसर लेकर इस संसार में जीने का हक दिया है, जिससे कि यह सुंदर सृष्टि विनाश नहीं विकास के पथ पर अग्रसर हो। जहाँ नारी का सम्मान है वहीं सुख है, वहीं वैभव है और वहीं गरिमा है और जिंदगी है। इसलिए आइए हम सब नारी शक्ति करेंगे भाव को। बहुत सुंदर नारी भोग की वस्तु कोमल अबला बेचारी, दफिया लूसी सोच की चादर हमने फेंक उतारी। इंसानों की बस्ती में जो इंसान बसते, औरत की रुसवाई ऐसी कभी ना करते। गलत करे वो गलत सहे हम, चले ना ये मनमानी। गलत करे वो गलत सहे हम, चले ना ये मनमानी। नया दौर है नए नजरिए, बदलो सोच पुरानी, बदलो सोच पुरानी। हाँ, ये सब है आज की नारी, आज के बच्चे, आज के नवयुवक, इन्हें सही दिशा दिखानी है हमारे समाज को, हमारे देश को। ऐसे ही अपने नाटकों के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से देश को एक सही रास्ता दिखाना है, हर किसी को उसकी जगह दिलानी है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, हर जगह समान अधिकार और समान भाव। अब मैं आमंत्रित करती हूँ इस नाटक की प्रस्तुतकर्ता एवं निर्देशिका वैष्णवी अवस्थी, जो कि हमारे बहुचर्चित महान कथाकार, कहूँगी मैं उन्हें महेंद्र अवस्थी जी की सुपुत्री हैं, कि वो अपने सभी साथीगणों के साथ, मित्रों के साथ मंच पर आए। और हर्षवर्धन सर से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि वो इन सभी बच्चों को प्रतीक चिन्ह देकर, दिलवा कर हमारे माननीय अतिथिगणों से उनका सम्मान करें। इस छोटी सी बच्ची के लिए कि उसने इतना अच्छा लिए, दीक्षा सिंह, अर्जिता अग्रवाल, कुमार पुष्पांजलि, सरल खेरा, शालिनी दीक्षित, शालिनी दीक्षित बेटा यहाँ, ऋषभ त्रिपाठी इधर आइए, ऋषभ, अभिषेक शर्मा, सत्या मिश्रा, शिवा दीक्षित, और
सबसे अंत में मैं बुलाना चाहूंगी सुरभि आनंद को, जिन्होंने अपनी लिखी हुई एक कविता से सबसे पहले इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी। सुरभि, आप सभी लोगों आयोग की अध्यक्ष लखनऊ उस्मानी मैडम, सुतापा सान्याल मैडम, डॉक्टर रूपल अग्रवाल, डॉक्टर हर्षवर्धन अग्रवाल, श्री अवस्थी जी, सत्या सिंह और कार्यक्रम में आए सभी अतिथिगण और इस नाटक को मूर्त रूप देने वाले सभी बच्चे और वैष्णवी अवस्थी जिन्होंने इस नाटक को लिखा और उसका निर्देशन किया। सबसे पहले तो मैं वैष्णवी अवस्थी को मुबारकबाद देना चाहूँगी कि इतनी छोटी उम्र में उन्होंने इतना बढ़िया नाटक लिखा है जिससे उनकी सेंसिटिविटी के बारे में हम लोग को पता लगा। सारे इश्यूज़ को एक छोटे से समय में 10 मिनट में उन्होंने सारे इशूज़ जो हमारे कंटेम्प्रेरी इशूज़ हैं, जो चल रहे हैं, जो पिंच करते हैं, जो परेशान करते हैं किसी भी सेंसिटिव आदमी को, औरत को, उन सबको टेकअप किया और एक अच्छा संदेश दिया। मैं समझती हूँ ये एक महिला दिवस ये मात्र एक तरीका है, एक आपको एक मौका मिला है कि अपनी भावनाओं को और जो हमारी समस्याएं हैं उनको आगे करके उनका क्या हल हो सकता है और उनको जागरूक करने के लिए लोगों को इसको सबके सामने प्रस्तुत किया जाए। और असलियत ये है कि ये पूरे वर्ष भर, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का समय हो या ना हो, लेकिन ये सब समस्याएं ऐसी हैं, ये सब मामले ऐसे हैं, ये सब विषय ऐसे हैं जिन पे हमें लगातार काम करने की ज़रूरत है। और मेरा ये मानना है कि नारी सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका महिलाओं की ही है, नारी की ही है। और वो भूमिका स्टार्ट होती है राइट फ्रॉम द बिगनिंग, घर से। जब एक माँ अपने बच्चों की परवरिश करती है तो अगर वो शुरू से चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, उसको ये वैल्यूज़ दे, उसको ये विचार दे, उसको ये सिखाए कि तुम चाहे लड़की हो चाहे लड़का, तुम लोगों में कोई फ़र्क नहीं है। उस लड़की को ये स्ट्रेंथ दे, ये पावर दे, ये शक्ति दे, ये कॉन्फिडेंस दे कि तुम्हें जो करना है वो तुम कर सकती हो। चाहे तुम पायलट बनना चाहती हो तुम पायलट बनो, अगर तुम एक गृहिणी बनना चाहती हो तो गृहिणी बनो, अगर तुम ट्रक चलाना चाहती हो तो ट्रक चलाओ, तुम हवाई जहाज उड़ाना चाहती हो हवाई जहाज चढ़ाओ, तुम अगर पढ़ाना चाहती हो पढ़ाओ। ये इंडिपेंडेंस, ये सोच, अगर ये स्ट्रेंथ कोई माँ अगर अपने बच्चे को दे पाती है तो मैं समझती हूँ ये सबसे महत्वपूर्ण कदम है सशक्तिकरण की दिशा में। और अगर हमारी सभी माएँ अपने बच्चों को, चाहे वो लड़के हो चाहे लड़कियाँ, उनको ये समझाएँ कि आपकी क्षमताओं में कोई फ़र्क नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। और ये हम देखते भी हैं, बच्चे जब तक छोटे हैं, 5-6 साल तक के हैं, 8 साल तक के हैं, तो आप देखेंगे लड़कियां बहुत एक्टिव हैं। जनरली पेरेंट्स कहते हैं कि लड़की हमारी बहुत एक्टिव है, और एज दे ग्रो, जैसे वो बड़े होते हैं, कुछ माहौल की वजह से, कुछ हमारी सोसाइटी की वजह से, जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो हमारे दिमाग में बंदिशें हैं, जो कंपल्शंस हैं सोसाइटी के, उसकी वजह से वो एक लिमिटेशन में बनती हैं। और धीमे धीमे एक्सपोजर की वजह से और बाकी कई फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से उनका एक्सपोजर भी डिफरेंट हो जाता है, और उनका जो आपको जनरल सोसाइटी में जो बिहेवियर दिखता है, जो उनका मूवमेंट दिखता है, उसमें आपको फ़र्क नज़र आने लगता। तो यहाँ पर जो भी लोग उपस्थित हैं और हमारे जो पत्रकार बंधु उपस्थित हैं, उनके माध्यम से मैं सभी लोगों को यही संदेश देना चाहूँगी कि बस हम एक कॉन्फिडेंस, एक स्ट्रेंथ, एक पावर अपनी लड़कियों में डेवलप करें कि आप बिल्कुल बराबर हैं, आप में कोई कमी नहीं है, आप जो चाहें वो कर सकती हैं। बस इतना ही अगर हम उनको दे दें, ये फील्ड हम उनको दे दें, तो डेफिनेटली महिला सशक्तिकरण, नारी सशक्तिकरण की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण कदम होगा। बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगी, बस बहुत एक मशहूर दो लाइनें हैं, उन्हीं को कहना चाहूँगी कि अगर लड़कियाँ कुछ सोच लेती हैं, और ऐसी बहुत सारी लड़कियाँ हैं, बहुत सारी महिलाएँ हैं जिन्होंने अपना नाम कमाया है अलग अलग फील्ड्स में, जो अनकन्वेंशनल एंड ट्रेडिशनल फील्ड्स हैं उनमें भी, उनके लिए ये डेडिकेटेड है लाइन्स। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं
मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान। निधि ने बहुत अच्छी बातें कही। आप बच्चों ने इतने सुंदर सारे इश्यूज को फ्लैग करते हुए इतने क्रिएटिव तरीके से वो हम लोगों के सामने प्रस्तुत किया। वी वर माइटी इम्प्रेस्ड बाय व्हाट यू ऑल डिड। कंग्रेचुलेशंस आप लोगों को, बहुत बहुत गिव देम अ बिग हैंड। बात हर की बात हुई, निधि ने कही, ये बिल्कुल सच है। जो पहला लेसन ऑफ एम्पावरमेंट है, जो सशक्तिकरण का पहला जो लेसन है, वो माँ देती है। लेकिन माँ के बाद फिर बच्ची को और महिला को खुद को भी लेसन देना पड़ेगा, खुद को सेल्फ एम्पावर करना पड़ेगा। क्योंकि दुनिया तो फिर बाद में आपको एम्पावरमेंट देगी, जब तक आप खुद को नहीं सक्षम समझेंगे तो आगे फिर कुछ नहीं होने वाला। एंड फॉर दैट एजुकेशन इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। अगर एजुकेशन नहीं होता है, शिक्षा नहीं होती है, तो फिर वो माइंड के प्रोसेसेस नहीं खुलते हैं, दुनिया का क्या है, कहाँ तक पहुँची है, वो नहीं जान पाते हैं। इसलिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। सेकेंड चीज़ जो सशक्तिकरण में बात आती है वो है यू नो कंट्रोल ओवर रिसोर्स। इनकम तो कई महिलाओं की होती है, लेकिन उस इनकम के ऊपर डिसीजन लेने का जो हक होता है वो सब महिलाओं को मिलते ही। तो आप लोग अपने हक को जानिए, अपने अधिकार को जानिए और अपने अधिकारों को लीजिए। जहाँ नहीं मिलता है हम ये भी कहेंगे कि अपना अधिकार छीन के लीजिए। कभी कभी चीज़ों को छीननी भी पड़ती है। अगर आपका वो हक बनता है, कोई देने को राजी नहीं है, तो उस हक को छीन के लीजिए। यही आप लोगों के लिए हमारा मैसेज है। वैसे महिला सम्मान प्रकोष्ठ उत्तर प्रदेश पुलिस का एक अंग है और हम लोग के बहुत प्रोग्राम्स ऐसे हैं जिसमें हम लोग कम्युनिटी को एंगेज करते हैं। आउटरीच प्रोग्राम्स है, आप यहाँ देखेंगे। इंसिडेंटली आप ही रहा है हम लोग के प्रोग्राम्स, 8-9 प्रोग्राम्स हैं। तो आप लोग जुड़िए हम लोग के साथ और हम लोग मिल के बहुत कुछ बदल सकते हैं। जो भी कुरीतियाँ हैं, आप लोगों ने सब उन कुरीतियों को फ्लैग किया है। अब समय आ गया है उन कुरीतियों को बदलने का। तो अगर हाथ से हाथ मिला के हम लोग चलते हैं तो ये सारी कुरीतियाँ बदल सकती हैं और एक अच्छे बराबर के समाज का एक सृजन हो सकता है जिसमें आधी आबादी को उनका अपना हक मिल सके। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्षा। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग उत्तर प्रदेश, सभी लोगों से निवेदन है कि एक बार जोरदार तालियों से माहौल को गर्म रखें जिससे पता चले यहाँ कुछ हो रहा है। धन्यवाद सचिव और यहाँ पर हमारे बीच उपस्थित महिला सम्मान प्रकोष्ठ की सुतापा सान्याल जी, जो हमेशा हम लोगों के साथ, महिलाओं के साथ खड़ी रहती हैं, हर जगह दिखती हैं, उनके सम्मान को आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं। निधि जी, गर्व होता है आप अच्छी महिलाओं को जो पूरा लखनऊ संभाल रही हैं बहुत अच्छी तरह से। और सत्या जी, शीला जी और हमारे बीच बैठे हुए सभी बहनें और भाइयों और मेरी नौजवान बच्चों, तुम लोगों ने जिस तरह से अभी अपना नाटक दिखाया, समाज की सारी बुराइयों को चंद मिनटों में दिखा कर ये समझा दिया कि हमें कैसे और कब और कहाँ लड़ाई लड़ना है इनसे। आज महिला दिवस के अवसर पर हम अपनी इस प्रदेश की आधी आबादी को बधाई देते हैं। और यही नहीं कि अब सिर्फ 8 मार्च को ही याद रखें, जैसे सुतापा जी ने कहा कि पूरे साल हमें एक ये अभियान चलाना चाहिए कि हम किस तरह महिलाओं को सशक्तिकरण से बांधे और मजबूत करें। जैसे अभी निधि ने कहा कि हमें सबसे पहले अपने समाज को देखना होगा, समाज की व्यवस्था को देखना होगा और समाज में ही, समाज से ही क्या निकल के आती हैं जिनको मजबूती मिलती है। आइए हम सब इस महिला दिवस के अंदर ये तय कर लें कि हम अपनी बेटियों को वही सम्मान देंगे जो हम अपने बेटों को देते हैं। क्यों हमारी बेटियाँ पिछड़ जाती हैं? क्योंकि हमारा दोहरा मापदंड है। हम बेटों के लिए कुछ और सोचते हैं और बेटियों के लिए कुछ और सोचते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी बेटियाँ आत्मनिर्भर बने मगर बेटों के बराबर नहीं। तो ये दोहरा मापदंड हमें समाप्त करना होगा, बेटियों को पूरा सम्मान देना होगा और हम उनकी क्षमता को नापे, सिर्फ ये ना सोचें कि ये महिला है या लड़की है तो इनके अंदर वो क्षमता नहीं होगी।
वो लड़कों से ज़्यादा है और सिद्ध कर चुकी हैं। अगर आप रिजल्ट देखें स्कूलों का, तो अगर लड़के 78% पास हो रहे हैं तो लड़कियाँ 88% पास हो रही हैं, और अगर कहीं मेडल भी मिल रहे हैं तो एक एक लड़की को साथ साथ 8-8 मेडल मिल रहे हैं, जिससे हमें गर्व हो रहा है। हमारी बेटियाँ आगे बढ़ रही हैं, बस ज़रूरी है एक सपोर्ट सिस्टम की, जो हमें घर से ही मिलना चाहिए। जब वो सपोर्ट सिस्टम हमें घर से मिल जाएगा तो हमारी बेटियाँ और मजबूत होंगी। इसलिए मैं कहना चाहूँगी हमें पूरे साल बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए सोचना चाहिए, क्योंकि ये समाज को हमें संतुलित करना है। एक विकसित देश के लिए ज़रूरी है कि एक संतुलित समाज बने, और ये संतुलित समाज तभी बनेगा जब हम बेटियों को बराबर का हक देंगे। इसलिए आज के दिन मैं भारत माता की जय के साथ साथ देश की माताओं की जय बोलना चाहती हूँ, पूरे देश की बेटियों की जय बोलना चाहती हूँ। धन्यवाद। कर्मियों की तरफ से निवेदन है, वो आप लोगों के एक ग्रुप फोटोग्राफ चाहते हैं, तो मैं चाहूंगी ज़रीना मैम, यानी कि वाइस प्रिंसिपल है, एक लड़की 72,000 में मास्टर बनी है गोंडा में, जिसकी शादी अभी 2 तारीख को कर दिया, 4वीं नंबर बेटी है। 5वीं बेटी जो है वो ड्रीम इंडिया स्कूल में प्रिंसिपल है। ये है बेटियों का पढ़ाने का गुण। और बेटा जो है वो बीएससी पास कर चुका है, अपनी तैयारी में है, कहने का मतलब कि बेटियों को पढ़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। और मैंने मतलब उनके जीवन स्तर पढ़ाने के लिए हमेशा काम किया, अपना घर भी बना रखा हूँ। तो रूपल अग्रवाल जी की तरफ से है, आप सबने समय दिया, आप बहुत शुक्रिया। दीदी जी का विशेष धन्यवाद है जिन्होंने 1 घंटे के अंदर यहाँ पे कार्यक्रम करने की परमिशन दी, शुक्रिया।